टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का मामला रुकेगा नहीं। जानते हैं आज महुआ ने मानहानि का मुकदमा कर दिया। किस पर किया? निशिकांत दुबे पर। तो क्या महुआ के खिलाफ निशिकांत या उनके वकील दोस्त के पास कोई सबूत नहीं? पूरा मामला बेहद निजी दुश्मनी का है, जैसा महुआ और टीएमसी के कुछ नेता कह रहे हैं। यह सबूत बहुत बड़ा है और महुआ पर बेहद कठोर फैसला होने वाला है। महुआ मामले में बात जा किस तरफ रही है, दोनों पक्षों की पूरी डिटेल रिपोर्ट सवाल पब्लिका की तीसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। पहली बार की टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अपनी डेब्यू स्पीच से ही सुर्खियों में आई थी। If you only you would open your eyes, you would see that there are signs everywhere that this country is being torn apart. People who have lived in this country for 50 years are having to show a piece of paper that will prove that they are Indian. In a country where ministers cannot produce degrees to show that they graduated from college, the achievements of the army are being usurped. By in the name of one man, is this correct? New enemies are being created every day. उन्हीं महुआ मोइत्रा के संसद के भाषणों की स्क्रूटनी अब संसद की एथिक्स कमेटी करेगी। One crony capitalist is not going to make a monkey out of India's regulators and inquiry markets while we watch. Mamta Di is not scared. Mr. Stalin is not scared. Akhilesh Ji is not scared. राहुल गांधी इज नॉट स्केयर्ड। मोदी सरकार के खिलाफ हमले में जिस अडानी मुद्दे को महुआ मोइत्रा ने अपने दिल के सबसे करीब रखा, संसद में जिस अडानी मुद्दे को लेकर उन्होंने कई बार आसमान सर पर उठाया, उसी अडानी मुद्दे पर उनकी नैतिकता, संसदीय आचरण और ईमानदारी पर गंभीर सवाल उठा दिए गए हैं। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द मोस्ट फेमस पर्सन इन इंडिया टूडे। अनफॉर्चुनेटली फॉर दिस हाउस इट इज नॉट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इट इज अ मैन हुज नेम स्टार्ट्स विद एन ए एंड एंड्स विद एन आई। And no, it is not Advani. For the purposes of this speech, let me just call him Mr. A and his group, the A Company. This man, Mr. A, has topi-penaud you. He travels with you on your delegations. He meets heads of states on visits to India. He portrays that India is the Prime Minister and the Prime Minister is him. He makes it appear to the world that he is the remote control behind the Prime Minister, and by obliging him, we'll be obliging the Prime Minister. कैश फॉर क्वेरी के गंभीर मामले में फंस गई महुआ मोइत्रा ने खुद पर लगे इन आरोपों का हिसाब किताब कानूनी लड़ाई छेड़कर शुरू किया है। महुआ मोइत्रा ने कैश फॉर क्वेरी के आरोपों को लोकसभा स्पीकर के पास तक ले जाने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, सीबीआई और निशिकांत दुबे तक मामला पहुंचाने वाले वकील जय अनंत देहदराई और महुआ पर लगे आरोपों को रिपोर्ट करने वाले कुछ मीडिया संगठनों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अवमानना का केस दर्ज करा दिया है। महुआ मोइत्रा की अवमानना याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में पहली सुनवाई शुक्रवार को होगी। लेकिन क्या ये मामला सिर्फ विपक्ष की एक सांसद के खिलाफ उठे गंभीर मामले का ही रह जाएगा, ये देखना होगा। क्योंकि महुआ मोइत्रा के इस मामले को इंडी गठबंधन के कुछ नेता लोकतंत्र की लड़ाई से जोड़ रहे हैं। तो उनकी काबिलियत पे तो हम सवाल उठा ही नहीं सकते। जो लोग ये कर रहे हैं, ये तो पार्लियामेंट का जो गुस्सा है वो निकाला जा रहा है। पार्लियामेंट में एक खास लोग के बारे में बात की जा रही है, उनके प्रति सवाल उठाया जा रहा है, तो कार्रवाई हो रही है। तो चरित्र हनन करना, बदनाम करना, तो ये बीजेपी का पुराना से ही जो है मॉडल रहा। ये बात सही है कि महुआ मोइत्रा ने संसद के भीतर सरकार के खिलाफ तीखे तेवर अपनाए, सिर्फ अडानी ही नहीं बल्कि दूसरे मुद्दों पर भी। यू डू नॉट हैव द मॉरल क्लैरिटी टू कॉल आउट राइट फ्रॉम रॉन्ग। Who's the papu now? People tell me to keep quiet, to make peace in the name of soft Hindutva. I am Hindu, but I refuse to play soft anything. What this country needs is an elected government which plays hard morality, hard legality, and hard economics. No soft anything. India's only chief female chief minister today, who is the mother of this bill? Who has given birth to the original idea where she has unconditionally sent 37% of women MPs to this parliament on her ticket?
What you have brought here, what this government has brought here today, is not a women's reservation bill. It is a women's reservation rescheduling bill. ऐसे में क्या ये कह देना सही होगा कि मोदी के खिलाफ ऐसे तेवरों की वजह से ही महुआ मोइत्रा पर लगे कैश फॉर क्वेरी के आरोप झूठे हैं? महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई को भेजी गई वकील जय अनंत देहदराई की शिकायत में उन सवालों का ब्यौरा है जो महुआ ने अब तक संसद में पूछे हैं। शिकायत में कहा गया है, महुआ ने 61 में से करीब 50 सवाल कारोबारी गौतम अडानी के बिजनेस राइवल दर्शन हीरा नंदानी को फायदा पहुंचाने के लिए पूछे हैं। जय अनंत के डॉक्यूमेंट के मुताबिक 8 जुलाई 2019 को पैराधी पोर्ट को लेकर पेट्रोलियम मंत्री से सवाल पूछे। डॉक्यूमेंट के मुताबिक इस पोर्ट पर अडानी ग्रुप हीरा नंदानी ग्रुप के लिए कॉम्पिटेटिव थ्रेट है। ये डॉक्यूमेंट कहता है 18 नवंबर 2019 का महुआ का संसद में पूछा गया सवाल अडानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए पूछा गया। जय अनंत का ये डॉक्यूमेंट एक एक कर महुआ मोइत्रा के संसद में पूछे गए कई सवालों की अपने तई व्याख्या करता है। ये दावा करता है कि महुआ के सवाल हीरा नंदानी को फायदा पहुंचाकर सरकार और अडानी को चोट पहुंचाने वाले रहे। जय अनंत अपने डॉक्यूमेंट में दावा करते हैं कि महुआ मोइत्रा के लिए हीरा नंदानी कहते रहे हैं सेंटाज लिटिल हेल्पर जो उनकी पॉकेट में है। डॉक्यूमेंट दावा करता है कि कैसे हीरा नंदानी से महुआ मोइत्रा को लाखों और करोड़ों में कैश और गिफ्ट मिले। सवाल पूछने का अधिकार सांसद का है, सांसद डिसाइड करेगा हमें क्या सवाल पूछना है। लेकिन अगर हम किसी की मोनोपोली चलाने लगे, किसी का निहित स्वार्थ हमारे थ्रू अगर सदन के फोरम पे आता है जो गलत है, तो वो तो बहुत ही नैतिक रूप से निंदनीय है। कैश फॉर क्वेरी के गंभीर आरोपों और उस पर हमलावर बीजेपी के तेवरों से महुआ मोइत्रा के लिए इस मामले में अपना बचाव करना बड़ी चुनौती है। ऐसे में सोमवार को जब इस कैश फॉर क्वेरी मामले पर अडानी ग्रुप ने अपने बयान में कहा कि इससे उनके 9 अक्टूबर 2023 का वो बयान पुष्ट होता है कि कुछ ग्रुप हमें बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अडानी ग्रुप के इस बयान पर महुआ मोइत्रा ने पलटवार करके कहा, मिस्टर ए, ये कमजोर बयान ही आपका बेस्ट एफर्ट है। ये एक फेक डिग्री एमपी और जिल्टेड एक्स के झूठ पर आधारित है, लेकिन मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगी जब तक सीबीआई 13,000 करोड़ के कोयला घोटाले को जब्त नहीं करती जिसे आपने भारतीयों से लूटा है। मुझे बताया गया कि आदरणीय प्रधानमंत्री भी आपसे और आपके फ्रॉड से परेशान हैं। यहाँ गौर करने की बात यह है कि महुआ मोइत्रा ने तो अडानी पर पहले की तरह ही आग बरसाई, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री के लिए उनके तेवर वैसे नहीं रहे जैसा उनका अंदाज रहा करता था। Muslims today are denied houses and rent, accused of being spreaders of COVID in India, economically boycotted, forbidden from praying in designated spaces. This battle of 80% versus 20% that this government has started risks ruining 100% of our sacred republic. The very party Vajpayee ji led as Prime Minister today leads a government that has turned this very same parliament into the Colosseum in Rome in the first century, where like a gladiator, the Honorable Prime Minister enters to chants of Modi, Modi. इस बीच कैश फॉर क्वेरी के आरोपों पर महुआ मोइत्रा की लड़ाई इंडी गठबंधन के कुछ नेताओं के लिए भले लोकतंत्र बनाम मोदी का मुद्दा हो, लेकिन महुआ की खुद की नेता ममता बनर्जी या उनकी पार्टी टीएमसी ने आधिकारिक तौर पर इस मामले पर चुप्पी ही बरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स टाउन ऑफ भारत। कांग्रेस में कोई विष पान की बात कर रहा है, विष पीने की, तो कोई कपड़ा फटने फाड़ने की बात कर रहा है। अभी तो लिस्ट जारी होने, घोषणा पत्र जारी होने पर यह सब हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं आगे क्या होने वाला है। मध्य प्रदेश से राजस्थान तक, राजस्थान से छत्तीसगढ़ तक, हर तरफ कंफ्यूजन क्लियर होता जा रहा है। सेमीफाइनल के साथ साथ फाइनल का भी रिजल्ट लॉक होता दिखाई दे रहा है क्या? सवाल यह है कि रिजल्ट है क्या। सवाल पब्लिक का की चौथी एक्सक्लूसिव स्टोरी। दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने का मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ। बात जनता को वचन देने की थी, चुनावी घोषणा पत्र जारी करने की थी, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं के बीच कपड़ा फाड़ने वाली चर्चा सुर्खियों में छा गई।
बीजेपी से कमलनाथ और कांग्रेस के बीच के कपड़ा फाड़ युद्ध का पर्दाफाश बता रही है। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है कि जाओ उनके कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का असली स्वरूप है और कांग्रेस कितनी है मुझे तो यही समझ में नहीं आता। मामला टिकट के बंटवारे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कमलनाथ ने जो कुछ कहा वो पार्टी के उन कार्यकर्ताओं से कहा जो टिकट बंटवारे से नाराज बताए जा रहे थे। हम आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जारी इस विवाद का पूरा अध्याय दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पार्टी के चुनावी वचन पत्र के बारे में बता दें, जिसमें लुभावने वादों का पिटारा है। लेकिन लीक से हटकर जो बड़ा मुद्दा चुनावी वादे का हिस्सा है वो है जातीय जनगणना का वादा, यानी कांग्रेस का एमपी का चुनावी प्लान 2024 के लिहाज से तैयार किया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा फोकस जातीय समीकरण पर है। मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास है कांग्रेस पार्टी के जो वचन देती है वो वचन पूरी करती है। बीजेपी मध्य प्रदेश में बिना चेहरे के चुनाव लड़ रही है। पार्टी के पोस्टर बॉय पीएम मोदी है। बीजेपी का यह नारा है एमपी के मन में मोदी। अब कांग्रेस ने इसकी काट तलाशने के लिए जाति पूछो अभियान पर फोकस कर दिया है। वो केवल हवा में सपने दिखाते हैं और ये जमीन पर जो वादा करते हैं वो करके दिखाते हैं, दोनों में फर्क है। इसके साथ ही पार्टी ने कई लुभावने वादों का पिटारा खोला, इस पर एक नजर डालिए, जिसमें 101 गारंटी दी गई है। जातिगत जनगणना, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए नारी सम्मान निधि, 500 रुपए में घरेलू सिलेंडर, महीने में 100 यूनिट बिजली बिल माफ, 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ, पुरानी पेंशन योजना बहाली, किसानों का कर्जा माफ, धान 2600 और गेहूं 2599 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद का वादा, 2 रुपए किलो पर गोबर की खरीद का वादा, 2 लाख नई भर्तियों का वादा, 18 साल से लंबित भर्तियां शुरू करने का वादा, क्लास 1 से 8 तक हर छात्र को 500 रुपए महीने, 9वीं से 10वीं तक 1000 रुपए और 11वीं से 12वीं तक 1500 रुपए प्रति महीने। अब नकद नारायण देने के इन वादों को लेकर कांग्रेस कह रही है कि ये तो दुनिया का सबसे बेहतरीन वचन पत्र है, तो बीजेपी से झूठ का पिटारा बता रही है। दुनिया में ऐसा वचन पत्र जारी नहीं होगा जो हो रहा है कि 500 रुपए गैस सिलेंडर महंगाई कम की, 1500 रुपए महिला के अकाउंट में 18 साल से 60 साल तक, और बिजली सोल्ड फ्री, मतलब बिजली से टेंशन फ्री, गैस सिलेंडर फ्री, ये 1500 उसका घर चलाने के लिए। ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उन्होंने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं, नौजवान 4000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा, समूहों का कर्जा कब माफ होगा। एक ने अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले और आज फिर महा झूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। मुफ्त वादे तो अपनी जगह है, लेकिन अब कांग्रेस एक एक कर जातीय गोलबंदी की चुनावी रणनीति की तरफ कदम बढ़ा रही, यानी अब सबसे बड़ा सहारा जाति पूछो का रह गया है। लेकिन जातीय जनगणना वाली राजनीतिक चाल चलने के बीच पार्टी अपने ही बड़े नेताओं के बयान को लेकर नए